तो दोस्तों आज फिर आपका मेरे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ स्वागत है। आज का जो अपडेट होने वाला है वो है मीठापुर मोहली का, और ये मैं पहले भी अपडेट दे चुका हूँ। पहले ये जो था इसका ये सब पिलर जो देख रही ये सिर्फ यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम था। अब देखिए पिलर वगैरह सब कुछ बनकर कम्प्लीट हो गया है, गड्ढा रखना बाकी है। तो आप मेरे वीडियो बने रहिएगा, मैं आपको लास्ट तक यानी कि आपको मोहली छोड़िए आपको मैं एकदम जडुमरी तक लेकर चलूँगा और लास्ट तक वर्क दिखाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तीन पिलर कम्प्लीट हो चुका है, और उस अभी मैं एक महीना पहले आया था तो सिर्फ ये मिट्टी पे ही काम चल रहा था, ज़मीन पे ही काम चल रहा था, लेकिन यहाँ तक काम पहुँच गया है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ और आगे, और ये इसके बाद जो है कि ये पिलर नहीं है, और ये आप चले जाइएगा तो पटना जंक्शन चले जाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मीठापुर अनिसाबाद इस साइड, आप वीडियो के लेफ्ट साइड मुड़िएगा तो आप मीठापुर चले जाइएगा, और ये पटना गया गुमटी है। ये लास्ट पिलर है, पिलर नंबर तो इस पर डिनोट नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस साइड से आप परसा मोहली चले जाइएगा। तो चलिए मैं आपको एकदम लास्ट तक ले चलूँगा मोहली तक, और उसके आगे भी ले चलूँगा आपको जट डुमरी तक। कोशिश करूँगा दिखाने का आपको जहाँ तक हो सके, जितना वर्क हो सके, गडर जहाँ तक रखा हुआ है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, लास्ट तक मैं आपको दिखाता रहूँगा। उसके बाद अभी प्रेजेंट में सेकंड लास्ट है ये, चलिए अब आगे दिखाता हूँ। उसके बाद और भी पिलर होगा, लेकिन अभी सिर्फ इस साइड से दो ही है, फ्यूचर में और भी चेंज हो सकता है। चलिए अब इस साइड से मैं आपको एकदम मोहली तक, उसके बाद फिर मैं जट डुमरी तक ले चलूँगा आपको, गटर भी दिखाऊँगा, स्टेशन भी दिखाऊँगा, हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो सिपाड़ा से लेकर के और मोहली, जिसका रियल नाम आपको राम गोविंद सिंह मोहली रेलवे हॉल्ट है, वहाँ तक आपको मिलेगा। और जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया वहाँ से 2.1 किलोमीटर मीठापुर तक अभी वर्क बाकी है, और इस साइड मतलब पिलर नंबर से एक से लेकर के आपको पिलर नंबर 115 तक अपडेट दूंगा, गटर का वर्क दिखाऊंगा, हर चीज़ का वर्क आपको दिखाऊंगा। और एक महीना पहले ही अपडेट दिया था और अभी में बहुत का अंतर हो गया है। तो देखिए इसके प्रोजेक्ट को और वर्क को, ऐसे इसकी मैं टोटल लेंथ की बात करूँ तो 8.186 किलोमीटर लॉन्ग है टोटल, जिसमें से आपको 2.1 किलोमीटर मीठापुर से लेकर के जहाँ तक मैं वीडियो बनाया जो कि सिपाड़ा है वहाँ तक का ही बाकी है। बाकी जो है कि आगे का काम जिसका मैं वीडियो आपको अपडेट दे रहा हूँ वो हो रहा है, जब पूरा होगा तो मैं पूरा भी दूंगा और हमेशा मैं इसका अपडेट देता रहूँगा। और ये पिलर नंबर 31 के पास ये एक नया चीज़ बनाया गया है इसमें, कि ये पिलर की मतलब मजबूती के लिए 1.5 से 2 फीट चौड़ा दिया गया, ताकि ट्रक व्रक से धक्का भी लग जाए तो पिलर को कुछ नहीं, उसके आइट साइड में ही रह जाए। और वैसे इस टोटल प्रोजेक्ट की लागत पहले जो है कि यहाँ पे 668 करोड़ था, लेकिन अभी जो है कि प्रेजेंट में इसका 1240 करोड़ रुपया टोटल मतलब 8.86 यानी 9 किलोमीटर का एवरेज लेके चलिए तो है। ये ऊपर में मतलब जो फ्लाईओवर है ऊपर में 4 लेन रहेगा और नीचे में 4 लेन रहेगा, और लागत की बात करें तो हमेशा ये बढ़ता ही रहेगा, जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। और उसी तरीके से लेंथ की बात करें तो अभी जो है कि राम गोविंद सिंह मोहली तक है, फिर फ्यूचर में हो सकता है किसे सिपाड़ा इसको और बढ़ा करके और पुनपुन तक कर दिया जाए, फिर जो है कि मसौढ़ी तक कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका धीरे धीरे प्रोजेक्ट जो चलता है तो फिर आगे बढ़ता है, लेकिन प्रेजेंट में अभी जो है कि पुनपुन तक एक्सटेंड किया गया। तो देखिए यहाँ पर वर्क जो चला था गड्ढा रखने का, ये पिलर नंबर 61 है, मतलब इस साइड चले जाइएगा आप तो 61-60 है, और इस साइड आप चले जाइएगा तो 62-63-115 तक है। तो 62 से काम जो है कि 62 तक काम आ चुका था 68 से, मतलब 62-63-64-65-68 से लेकर 62 तक वर्क हो चुका था, और बहुत फास्ट हो रहा है। इससे पहले आया था तो 68 पे ये लॉन्चर और ये गडर रखाना स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक ही महीने में यहाँ तक हो गया। और 115 पे भी अभी लॉन्चर रखा हुआ है और गडर रखा हुआ है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाएँ और इस तरह का वीडियो देखें। चलिए मैं आपको एकदम लास्ट तक ले चलूँगा। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम एफकॉन कंपनी है, जो बहुत ही फास्ट काम करी है। एफकॉन वही है जो गांधी सेतु का सुपर स्ट्रक्चर रखा है, उसी का नाम एफकॉन है। ये परसा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और इसके बगल में भी आप देखिए यहाँ पे एक सीध में आपको दूर से ही दिख रहा है कि आपको पिलर एकदम रखा हुआ है, एकदम दूर ही से आपको नज़र आ रहा है। ये प्रोजेक्ट टोटल 912 दिन में इसे कम्प्लीट करना है, मतलब अप्रोक्स 30 महीने आगे पीछे हो सकता है। और इस पे जो है कि जो भी पेड़ है उसे भीटा सरमेरा पे जाकर शिफ्ट किया गया, जिसका मैं स्पेशल वीडियो अलग से बना चुका हूँ। और इसकी बात करूँ तो 2023 में इसे ख़त्म करना है। इसमें पुल पुलिया छोटे बड़े टोटल लगभग 20+ हैं, और इसी तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेगा तो काम की स्पीड को, एक लॉन्चर रख दिया गया, एक लॉन्चर और लगाया जा रहा है जिसका कि मैं अपडेट दूँगा,
और काम बहुत फास्ट चलने वाला है। अब इसको 2023 तक मतलब किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना, उससे पहले ही हो जाएगा। नीचे का रोड भी वही कंपनी बनाएगा और ऊपर का भी, टोटल 1200 अभी प्रेजेंट में जो है कि 40 करोड़ है, आगे पीछे हो सकता है। साइड में नाली का भी काम पहले नहीं हुआ था, अब हो चुका है। और उसी तरीके से ये देखिए यहाँ भी लॉन्चर का काम, लॉन्चर लगा हुआ है, यहाँ से भी काम आपको स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। इस साइड आप परसा चले जाइएगा और इस साइड आप मसौढ़ी चला जाएगा। तो देखिए इसके वर्क को और अपडेट को, और आगे मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पे भी नाली का वर्क चल रहा था तो मैं इसे दिखाना मुनासिब। ये यहाँ का लास्ट है, यानी 115 नंबर पिलर आपको मिलेगा, उसके बाद 114 113 से मैं एक से कंटिन्यू देते हैं। उसी तरीके से ये जो है ये पटना गया रेलवे लाइन है और अभी पलामू एक्सप्रेस गुजर रही है। और इस साइड आप चले जाइएगा तो आप मोहली से होते हुए आप फिर जडुमरी चले जाइएगा, मसौढ़ी चले जाइएगा, जो कि फ्यूचर में 4 लेन होगा। और आगे का रोड का भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। और इस साइड आप चले जाइएगा तो आप पटना चले जाइएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, क्रेनें लगी हुई है, ऊपर में भी मशीनें लगी हुई हैं। और चलिए आपको गटर भी यहाँ आया हुआ है, जो मैं आपको कोशिश करूँगा नज़दीक चल के दिखाने की। जैसे कि आप वो सामने पीला में देख रहे हैं, वहाँ पर भी गटर आया हुआ है। गटर का लेंथ ब्रिथ हर चीज़ में दिखाने की कोशिश करूँगा। दूर से ही आपको दिख रहा होगा गटर वगैरह। इसकी लेंथ विड्थ कितनी है देख सकते हैं, जैसा कि आप देखिए इसकी कितनी मोटाई है, लगभग 8 से 10 इंच की मोटाई है ऊपर का, और अंदर का तो 2 फीट से ऊपर है। एकदम नज़दीक से देखिए आप, और देखिए इसमें जो है वो तार जाने के लिए इसको बनाया जाता है। और देखिए इस साइड ये कितना भारी भरकम है, और इसकी चौड़ाई और मोटाई देखिए, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है, लगभग 10 मीटर प्लस है। और ये एक एक में 3, 3, 6, 7 इस तरफ तार जाएगा, 7 इस तरफ तार जाएगा, टोटल 14 तार जाएगा। और ये जाकर के जो है कि ये जो आप ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हैं, ये जाकर के वहाँ जाकर टंग जाएगा। और 2 गडर आया हुआ है, एक आगे में रखा हुआ है, और देखिए कितनी मोटी छड़ से ये बांधी हुई है। और देखिए इसको लगाने के लिए एक क्रेन भी लगा हुआ है, जो कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि ये क्रेन से ये टंग करके ऊपर चला जाएगा। और देखिए ये ऑरेंज ऑरेंज जो लगा हुआ है इस पर से ये टंगा करके और ये इस पर चला जाएगा आगे में। देखिए कब यहाँ पर मजदूर भी अब काम स्टार्ट होगा, डायरेक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे का काम चलेगा। देखिए इसकी फिर से चौड़ाई,